वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। आज हम लोग एक बिल्कुल ही खास तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग भी चल रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इक्वेशन में हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा, इक्वेशन हाउ टू मेक एन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव एंड स्मार्ट, मोर स्मार्ट, ये सारी चीज़ें हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ ली है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी जान लिया है, केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। और अब हम इस चैप्टर के सेकेंड फेज में चल रहे हैं, जिसमें कि हमें पढ़ना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने इसके पहले कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। और अब हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे एक खास तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट मींस डिस्प्लेसमेंट। पहले इस वर्ड को समझते हैं, आपके लिए कोई नया वर्ड तो ये है डिस्प्लेसमेंट। टू डिस्प्लेस समवन और समथिंग, टू डिस्प्लेस समवन, कोई बैठा हुआ है और उसे जगह से उठा दिया, कोई वाइफ हस्बैंड बैठा हुआ है, दो ही सीट है और कोई आदमी आया उसके हस्बैंड को उठा दिया, खुद बैठ गया उस जगह, इट इज अ केस ऑफ क्लियर डिस्प्लेसमेंट। That person displaced his husband, displacement। देखते हैं, interesting है displacement reaction। और कई जगह पूरी chemistry में, पूरी chemistry world में displacement reactions आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इस displacement reaction को start करें हम लोग chemistry के point of view से। उसके पहले हम थोड़ा सा उसे और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज चलिए, दिस इज एन एटम, दिस इज एन एटम, दिस इज एन एटम, हमने इसे ब्लैक से कलर कर दिया एंड दिस इज ए, ठीक है। दिस इज अ कंपाउंड, कंपाउंड इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। चलिए ये कंपाउंड है और इसमें भी दो एटम्स हैं, this is B and this is C, okay। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। B and C, this A will displace B from its position, A will displace B from its position, then which type of compound will be formed? AC, this black and green, and the compound is now AC. And B, what happens to B? It gets free. It gets free. Initially, A was free. He was not bonded to someone, anyone. But as a product, now B is free. A displaced B from its position, from this compound,
एंड दिस इज अ केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं. एक एग्जांपल के साथ, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर वन, आयरन नेल्स हम लेते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को भी हम देखेंगे. आयरन, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वो ब्लू कलर का होता है. खैर, आयरन इज इन सॉलिड फॉर्म एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इन एक्वस फॉर्म. एक्वस मींस डिजॉल्व्ड इन वाटर. After reaction as a product, what will happen? This iron will displace copper from this compound. This iron displaces copper from its position. And what will happen to copper? It gets free. Then what will be the structure of product side? What will be the figure of product side? FeSO4. FeSO4 plus C. Copper gets free. FeSO4 and copper. FeSO4, aqueous and copper solid. आपको लग रहा है कि कॉपर ने, आयरन ने कॉपर को इस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और बेचारा कॉपर फ्री हो गया और FeSO4 बन गया. कॉपर सल्फेट मीन्स यहां कॉपर सल्फेट. Copper sulfate. This is iron. This is, यहां पर देखिए तो, what is the valency of iron here? Because the valency of sulfate is 2. So the valency of iron will also 2 here. Can you call iron 2 sulfate? We also call it iron 2 sulfate or ferrous sulfate. इसे iron 2 sulfate भी कहते हैं. 2 को ब्रैकेट में करेंगे और रोमन में लिखेंगे. आयरन 2 सल्फेट प्लस कॉपर. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में मेंशन है जो कि बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है. उस एक्सपेरिमेंट को हमें देखना चाहिए क्या होता है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लेते हैं. चलिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का होता है, तो चलिए हम एक बीकर लेते हैं. इस बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चूंकि ब्लू होता है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने ले लिया. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल डालेंगे, लोहे की कील. तो लोहे की कील का तो ये देखिए, लोहे की कील हमने एक डाल दिया. हम देखते क्या है कि थोड़ी ही देर के बाद इसका ब्लूइश कलर जो है वो फेंट करने लगता है. इसका ब्लूइश कलर आफ्टर सम टाइम, एक कील भी डाल सकते हैं. आप चाहते हैं रिएक्शन थोड़ा और भी फास्ट हो तो आप दो कील भी डाल सकते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम
what happens we see the color of the solution starts to change. Bluish था अभी तो अभी भी है bluish, but it starts to change and starts to turn into light green color or light greenish. And there is also a change in iron nail when we put it out. देखिए ये आपका आयरन नेल है, ये आयरन नेल, अब हम इसे बाहर निकाल लिए हैं और अब ये हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है. अब ये ब्राउनिश हो रहा है, ब्राउनिश हो गया. A layer of brownish substance got deposited on it. Brownish. And the color of the solution turns light green. पहले ये क्या था? ब्लू था. तो आफ्टर ऑल हमने देखा क्या कि ये ब्लू क्या था? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो कि ब्लू था. उसमें जैसे ही हमने आयरन नेल डाला, आयरन नेल ब्राउन हो गया कुछ देर के बाद. कुछ देर के बाद आप 20 मिनट के लिए उसे छोड़ दें और ये भी जो है सॉल्यूशन भी ब्लू की जगह पर लाइट ग्रीन हो गया. अब देखिए इस इक्वेशन के साथ हम इसे लेकर चलेंगे. आयरन कॉपर सल्फेट का कलर ये ब्लू था, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था. ब्लू और अब आयरन टू सल्फेट, आयरन टू सल्फेट का कलर ग्रीन है. ये आपने इसके पहले जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग देख रहे थे तो वहां पर आपने के आयरन टू सल्फेट के बारे में देखा है. फेरोसल्फेट ये ग्रीन कलर का होता है और कॉपर जो है ये ब्राउन कलर का होता है. कॉपर के यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन तो आपने देखे होंगे. तो ये ब्राउन कलर का डिपॉजिट बैठ गया जाकर के आयरन के ऊपर, इसीलिए वो आपका आयरन, आयरन का जो नेल है वो ब्राउन दिखने लगा, वो ब्राउन दिखने लगा है. तो ये रिएक्शन जो है जिसमें कि आयरन नेल को जैसे ही डालते हैं ये सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हो जाता है और आयरन नेल खुद भी वो ब्राउन कलर का हो जाता है. आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर चढ़ जाता है. दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और नया कंपाउंड जो बना दैट इज आयरन टू सल्फेट, दैट इज फेरस सल्फेट एंड कॉपर फ्री हो गया और इट गॉट डिपोजिटेड ऑन नेल, आयरन नेल. अब आप कॉपर सल्फेट आपने लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की जगह पर आप जिंक भी डालकर देख सकते हैं. आपने जिंक डाल दिया ऑन जिंक इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो ब्लू है, जिंक का कलर आप जानते हैं. जिंक कैसा होता है? वो लाइट ग्रे सिल्वर कलर का होता है. ये तो कॉपर सल्फेट कैसा था? ब्लू था. चलिए कॉपर सल्फेट ब्लू. आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ होगा?
जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा, तो जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड अ न्यू सब्सटेंस न्यू कंपाउंड दैट इज जिंक सल्फेट इज फॉर्म नाउ ZnSO4 प्लस कॉपर कॉपर। यानी कि आप कुछ मत कीजिए, इस ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की जगह पे जिंक डाल दीजिए। जिंक आपको पहले भी बताया गया है इस चैप्टर में, जिंक एक मेटल होता है और जिंक का जिंक के टुकड़े या जिंक का स्ट्रिप पतली पत्ती वो आपको लैबोरेटरी में मिल जाती है, आप उसे ही इसमें डाल करके देख सकते हैं व्हाट हैपेंस। द रिजल्ट इज द सेम, इट ऑल्सो बिकम्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज कॉपर विच गेट फ्री इन दिस रिएक्शन इज डिपोजिटेड ऑन दैट जिंक स्ट्रिप एंड अ न्यू सब्सटेंस न्यू केमिकल जिंक सल्फेट इज फॉर्मड। जिंक सल्फेट इज कलरलेस, सो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स कलरलेस। टाइम लगता है इसमें, ये धीरे धीरे, या ये भी डिपेंड करता है कि कितना जिंक आपने डाला है, कितना फास्ट रिएक्शन होगा। तो ये हो गया कलरलेस जिंक सल्फेट, कलरलेस, और कॉपर तो ब्राउन है, तो दोनों ही सेम रिएक्शन है। यहां पर क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर बेचारा फ्री हो गया। आप दोनों ही केसेस में देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट, एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से, इसलिए इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक समस्या तो है। सवाल यह उठ रहा है कि सभी लोग कॉपर को ही डिस्प्लेस करने में क्यों लगे हुए हैं, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर इन दिस कंपाउंड एंड जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर इन दिस कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कैन कॉपर डिस्प्लेस जिंक इन जिंक सल्फेट, कैन कॉपर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन टू सल्फेट फेरस सल्फेट। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से, तो क्या कॉपर भी आयरन को आयरन सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है? ये सवाल तो मन में जरूर आएगा, क्योंकि दोनों ही एग्जांपल्स जो हमने देखा है बोथ आर द ऑफ सेम टाइप। In both the cases, copper is being displaced by iron or zinc. तो सवाल उठता है कि क्या कॉपर क्यों ना उन लोगों को डिस्प्लेस कर दे, नहीं कर पाता है। कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को, आयरन सल्फेट से आयरन को, या और भी तरह के ऐसे कंपाउंड से नहीं डिस्प्लेस। क्यों नहीं कर पाता है? तो इसके लिए हमें यह जानना होगा, एक्चुअली मेटल्स, आप गौर कीजिए, ये सारे मेटल्स हैं, आयरन, जिंक, दीज ऑल आर मेटल्स, कॉपर, दीज ऑल आर मेटल्स, एंड नॉर्मली मेटल्स आर डिस्प्लेस्ड, नॉट द नॉन मेटल्स, मेटल्स आर डिस्प्लेस्ड। मेटल्स जो होते हैं उनकी एक रिएक्टिविटी होती है, एंड ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टेंट, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, दे रिएक्ट इवन एटमोस्फेरिक एयर एंड सो दे आर केप्ट डिप्ड इन कैल्शियम वाइट लाइक पोटासियम एंड सोडियम। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें तो कैरोसिन में दबा कर रखा जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर, वाटर वेपर, इन सब से भी वो रिएक्शन कर जाते हैं। सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव,
some metals are moderately reactive. We'll learn these things in our fourth chapter, in our third chapter, metals and nonmetals, in details. But right now we know that all the metals are not equally reactive. Some are more reactive, some are very reactive, some are moderately reactive, some are very, very less reactive or almost non-reactive. And in such type of reaction, in displacement reaction, a highly reactive metal displaces a less reactive metal from a compound. It means iron is more reactive than copper, so iron is able to displace copper in this solution, but copper cannot displace iron from iron sulfate solution because copper is not so reactive than iron, or copper is not more reactive than iron, so it cannot displace iron. Copper also cannot displace zinc because copper is less reactive than zinc. तो सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? तो हमें एक चार्ट, एक लिस्ट, कुछ कॉमन मेटल्स जिसकी आपको जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में या हमारे डेली लाइफ में, ये मेटल्स किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े होते हैं, तो हमें कुछ ऐसे 8-10 मेटल्स के बारे में एक चार्ट, एक लिस्ट बना लेना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, फिर भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम होता है, आपने पढ़ा होगा, पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ये सारे जो मेटल्स होते हैं काफी रिएक्टिव होते हैं, खास करके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उन्हें बचा करके रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद किसका नंबर आएगा। अभी हमने देखा जिंक भी काफी रिएक्टिव होता है, इसे अब इसे हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स ना कह करके इसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कहेंगे। जिंक, आयरन भी होता है रिएक्टिव, लेकिन अब रिएक्टिविटी सीरीज में तो ये काफी नीचे आ चुका है। आयरन, पोटेशियम से जब हम स्टार्ट करते हैं तो आयरन काफी नीचे आ चुका है। उसके बाद लेड भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये सारे मेटल्स जो होते हैं वो आयरन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट होता है जिसमें कि मेटलिक बिहेवियर भी होता है, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स लाइक मेटल, सो दे आर केप्ट सेपरेटली इन आवर पीरियोडिक टेबल, हम लोग पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन को भी हम लोग यहां पर जगह दे देते हैं क्योंकि यह भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इन सबों की तरह इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम और नीचे आते हैं, इससे भी कम रिएक्टिव होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे तो काफी लेस रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव कर सकते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। सोना चांदी तो रिएक्ट करता नहीं है, बहुत कम करता है। तो अब ये लिस्ट अगर हमारे पास है, हमें याद है, और याद तो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है नहीं, ये तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप क्लास 10 में इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको जगह जगह पर, थर्ड चैप्टर में भी फिर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए याद तो रखना ही है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में तो कहीं कोई समस्या नहीं है, फिर जिंक, आयरन एंड लेड, ये याद रखना आपको, जिंक, आयरन, लेड, देन कॉपर, मरकरी, यही याद रखना है। तो अब देखिए इस लिस्ट के हिसाब से
आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक और आयरन और मर्करी। सवाल आपसे इस टॉपिक में यह भी पूछा जाता है कि कैन आयरन डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कैन आयरन डिस्प्लेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, चलिए यस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। कैन कॉपर डिस्प्लेस आयरन इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, नो बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से बहुत कॉमनली। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहीं कोई प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं है, हमने शुरुआत में ही देख लिया था ए डिस्प्लेस बी फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड न्यू एंड अ न्यू कंपाउंड ए सी इज फॉर्म्ड एंड बी गॉट फ्री। दिस इज द फाइनल कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आज तो हमारा ये टॉपिक, चाहते हैं वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही, एक खास तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज के वीडियो में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स आप बुक्स में ढूंढेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे इस चार्ट के रेफरेंस में, तो और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसमें एक चीज और देख लेना है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, और अगर पॉसिबल हो, आपके पास टाइम हो, तो आप इसके फिजिकल स्टेट को भी जरूर नोट कर लिया करें, तो आपका आपका इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बनता है, ये एक अच्छी आदत होती है, ठीक है ना। लेकिन बैलेंस रहना तो बिल्कुल ही जरूरी है, अनबैलेंस्ड स्केलेटल कोई रिएक्शन वैलिड नहीं होता, उसके उससे कोई मान्यता नहीं है, एग्जामिनेशन में उसमें मार्क्स भी आपको नहीं आने वाले हैं अगर वो बैलेंस्ड नहीं है। केमिकल इक्वेशन का मतलब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ठीक है, आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।